Hey guys, तो आजकल न्यूज़पेपर में जीएसटी के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स आने लगे हैं. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट मंथ वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी, व्हेन बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस ही ट्वीटेड दैट अ स्टैगरिंग 5-star होटल चार्ज हिम अ वॉपिंग ₹450 जस्ट फॉर 2 bananas, और इन बनानास की कॉस्ट में जीएसटी भी इंक्लूडेड था. सो एज अ कंज्यूमर हमें इस बात को लेकर अवेयर होने की काफी जरूरत है कि हमें किन कॉमोडिटीज पर जीएसटी को पे करना है और किन पर नहीं करना है, एंड जिन कॉमोडिटीज पर जीएसटी एप्लीकेबल है उस पर कितना जीएसटी पे करना है. सो हम सब ने जीएसटी के बारे में काफी कुछ सुना है, पर क्या हम लोग जीएसटी को अच्छे से समझते हैं? डोंट वरी, कुछ टाइम पहले तक मेरे लिए भी जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स ही था, बट देन आई टुक ऑन टू सम रिसर्च एंड आई रियली अश्योर यू दैट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो My name is Mansi Anand and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जीएसटी इंडिया में इफेक्ट में लाया गया ऑन 1 July 2017 को. सो जीएसटी को लॉन्च किया गया अंडर द टैग वन नेशन वन टैक्स. सो वन नेशन वन टैक्स का मतलब क्या है कि पूरी कंट्री में, दैट इज इंडिया, सारे स्टेट्स में टैक्स रेगुलेशंस में वेरिएशंस कम से कम हो और टैक्स रेगुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म बनाया जा सके. सो जीएसटी को लाने का मेन पर्पस यही था कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इंडिया में सिंप्लीफाई किया जा सके एंड थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म किया जा सके. सो इस पॉइंट को समझने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीएसटी के आने से पहले इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो आप इसमें देख सकते हैं कि देयर वर अ लॉट ऑफ टैक्सेस बिफोर जीएसटी. सो काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल होते थे, बट आफ्टर जीएसटी मोस्ट ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम दीज टैक्सेस दे गॉट मर्ज अंडर वन टैक्स, दैट इज जीएसटी. सो जीएसटी के आने के बाद का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. सो आप देख रहे होंगे कि कितना सिंप्लीफाई हो चुका है ये स्ट्रक्चर आफ्टर द लॉन्च ऑफ जीएसटी. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. सो इनडायरेक्ट टैक्स होने का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन या जो भी एंटिटी टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर रहा है उसका फाइनेंशियल बर्डन डज नॉट फॉल ऑन दैट पर्सन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से आपको एक न्यू कार लेनी है. सो आप जाते हैं मार्केट एंड देन यू गो टू द शोरूम एंड देन आप गाड़ी चूज करते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं. सो ऑब्वियस ही बात है कि इस परचेज पर कुछ जीएसटी लगेगा. सो जो जीएसटी इस परचेज पर लगेगा, क्या आप उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे? नो, द पर्सन और द एंटिटी पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट इज द सेलर और द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बट क्या ये सेलर इस टैक्स को अपनी ही पॉकेट से खर्च कर रहा है? नहीं, द टैक्स इज बीइंग कट फ्रॉम योर पॉकेट. सो आप देख रहे हैं कैसे पे कोई और कर रहा है और फाइनेंशियल बर्डन कहीं और फॉल कर रहा है. सो ऐसे टैक्सेस को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस. ज्यादातर कॉमोडिटीज पर ये टैक्स अप्लाई होते हैं. सो जीएसटी आने के बाद मोस्ट ऑफ द टैक्सेस गॉट मर्ज इनटू जीएसटी. सो नाउ मूविंग ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी. सो जीएसटी के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सी जीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी, नेक्स्ट इज यूटी जीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, एंड आफ्टर दैट देयर इज आई जीएसटी. सो जीएसटी के कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि सेल जो है वो 2 तरह की होती है, इंटरस्टेट सेल एंड इंट्रास्टेट सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इंट्रास्टेट सेल. सो जब भी कोई गुड्स की सेल या परचेज होती है विद इन वन स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल. फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए लिमिटेड इन महाराष्ट्र एंड देर इज बी लिमिटेड इन महाराष्ट्र. सो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से राइस खरीदे. सो आप देख रहे हैं कैसे एक ही स्टेट से बिलोंग करने वाली 2 कंपनीज के बीच एक डील हुआ. सो गुड्स ने स्टेट का बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, दैट इज वाई इट इज एन इंट्रास्टेट सेल. सो एक इंट्रास्टेट सेल पर सी जीएसटी लगाया जाता है और
एसजीएसटी लगाया जाता है। बट उन केसेस में जहां पर स्टेट की जगह एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, उन केसेस में सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगाया जाता है। एंड इन दोज यूनियन टेरिटरीज जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी ही लगाया जाता है। सो मूविंग ऑन टू इंटरस्टेट सेल। सो अब हम बात करेंगे उन सेल्स की जो होती हैं डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। सो ए लिमिटेड जो बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, एंड देन कम्स सी लिमिटेड जो बिलोंग करती है पंजाब से। सो ए लिमिटेड ने जो खरीदे हुए राइस थे वो आगे सेल कर दिए सी लिमिटेड को इन पंजाब। सो अब आप देख रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो एक ऐसी सेल को बोला जाएगा इंटर स्टेट सेल। और ऐसी सेल्स में जो जीएसटी लगता है उसे बोला जाता है आईजीएसटी। सो ये जो आईजीएसटी होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के इक्विवेलेंट होता है, या फिर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी के इक्विवेलेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द केस इट इज। सो ये तो हुई जीएसटी के कंपोनेंट्स की बात। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ जीएसटी इज बीइंग कॉम्प्रिहेंसिव। सो जीएसटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बोला जाता है। सो कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब ये है कि जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता, गुड्स एंड सर्विसेज को एक ही कॉमोडिटी मानकर उनको टैक्स किया जाता है। एंड जीएसटी के अंदर इतने सारे टैक्सेस मर्ज होने की वजह से उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फीचर ऑफ जीएसटी व्हिच इज बीइंग मल्टी स्टेज। सो जीएसटी जो है वो एक मल्टी स्टेज टैक्स है। सो मल्टी स्टेज को समझने से पहले हम वैल्यू चेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो जब एक प्रोडक्ट ट्रैवल करता है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर, वो काफी सारी स्टेजेस से पास करता है और हर स्टेज पर जीएसटी लगाया जाता है, इसीलिए जीएसटी को एक मल्टी स्टेज टैक्स कहा गया है। जैसा कि आप सबको हाइड एंड सीक तो काफी पसंद होंगे ही। सो हाइड एंड सीक बिस्किट्स जो हैं, वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल वो रॉ मटेरियल्स खरीद रही है, उसके बाद वो बिस्किट मैन्युफैक्चर करके उसे एक वेयरहाउसिंग एजेंट को ट्रांसफर कर रही है, वेयरहाउसिंग एजेंट इन बिस्किट्स को पैक करके एक होलसेलर को ट्रांसफर कर रहा है, और होलसेलर जो है इन बिस्किट्स को लेबल करके एक रिटेलर को ट्रांसफर कर रहा है, एंड रिटेलर से ये बिस्किट्स जाते हैं फाइनल कंज्यूमर के पास। सो आप देख रहे हैं कैसे हाइड एंड सीक बिस्किट्स ने आप तक पहुंचने से पहले काफी सारे स्टेजेस को क्रॉस किया और हर स्टेज पर उन बिस्किट्स पर जीएसटी लगाया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फीचर ऑफ जीएसटी व्हिच इज वैल्यू एडिशन। सो जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हर स्टेज पर जीएसटी लगाया जा रहा है वो उतने अमाउंट पर लगाया जा रहा है जितनी हर स्टेज में वैल्यू एड हो रही है उस प्रोडक्ट में। सो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। Now moving on to the last feature of GST, which is GST is a destination based tax. So इस point का मतलब ये है कि जिस भी state में finally consume किया जाएगा products को उसी state को GST मिलेगा। So considering the case जहां पर A limited ने rice sale किए थे C limited को, A limited थी महाराष्ट्र से and C limited थी पंजाब से। So, ये एक इंटरस्टेट सेल है, तो आपको क्या लगता है इस केस में जीएसटी किसके पास जाना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास या पंजाब गवर्नमेंट के पास? इन केस अगर राइस जो है वो सी लिमिटेड से ट्रांसफर होकर पंजाब में ही फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं तो ये टैक्स जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के पास। बट इन केस अगर सी लिमिटेड यही राइस सेल कर देती है टू डी लिमिटेड इन हरियाणा और ये राइस फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं हरियाणा में, तो तब जीएसटी जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के पास। सो आप देख रहे हैं कैसे जो गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पर वो फाइनल कंज्यूमर को मिल रहे हैं, सो गुड्स का जो फाइनल डेस्टिनेशन जिस स्टेट में होगा उसी स्टेट के पास जीएसटी जाएगा। सो दैट इज वाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स।
सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, एंड अगर आप जीएसटी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज हमारी अपकमिंग वीडियोज में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी इन ग्रेटर डिटेल. एंड जीएसटी का ये टॉपिक आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक यूजीसी नेट इन कॉमर्स एस्पिरेंट है तो, बिकॉज इन सिलेबस इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. एंड अगर आप चाहते हैं आपको नेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपकी हेल्प की जाए और आपको अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प की जाए, तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर कोर्सेज जिसमें आपको नेट से रिलेटेड सारा स्टडी मटीरियल मिल जाएगा. वी स्पेशलाइज इन प्रिपरेशन ऑफ नेट इन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड HRM. सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा. स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.